हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग वीडियो में और टूर वीडियो में बीएचयू कैंपस में साइंस डिपार्टमेंट कहाँ है और यह डिपार्टमेंट कैसा दिखता है और फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायो डिपार्टमेंट और उससे रिलेटेड और जो ब्रांचेज है वो डिपार्टमेंट कहाँ है और कैसा दिखता है उसके विषय में आपको बताऊंगा। आप सभी बंदे मेरे वीडियो चले तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन सारी चीज़ों को देखिए समझिए दोस्तों। देखिए, ये विज्ञान संस्थान का प्रशासनिक भवन है दोस्तों। ये बिल्डिंग है, यहाँ पर प्रायः कम्पिटेटिव एग्जाम का, प्रतियोगी परीक्षा का सेंटर केंद्र बनाया जाता है दोस्तों। तो अगर आप इस ढंग के नाम आए तो आप इस बिल्डिंग में आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से भी चार रास्ता है दोस्तों, देख सकते हैं अलग अलग जाने के लिए दोस्तों। तो देखिए, ये सामने आपको ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है दोस्तों, तो इसके भी मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए, ये आपको हॉस्टल जाने का रास्ता है शरीफ डिपार्टमेंट का, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता दोस्तों। तो मैं इसको भी उसके बारे में भी दिखाऊंगा कैसे जाना है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके विज्ञान संस्थान डिपार्टमेंट के पास, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पास। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आ गया देखिए, और यहीं से आपको इसके अंदर इन करना है। और यहाँ देखिए, बहुत सारे हैं, धातु के अभियांत्रिकी विभाग है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का है दोस्तों। तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ब्लॉक में आ गए हैं दोस्तों, तो यही आपका डिपार्टमेंट है, देख सकते हैं। और अलग अलग जगह पर जाने का रास्ता है दोस्तों, देख सकते हैं। ये मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, ये डिपार्टमेंट आप भौतिकी है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है दोस्तों। तो मैं आपको नज़दीक ले आकर दिखाता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी डिपार्टमेंट है दोस्तों, देख सकते हैं, जिसे भौमिकी विभाग कहते थे। देखिए, साइंस का है ये, और इसका कैंपस का नज़ारा देखिए दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो दोस्तों आप वीडियो के ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगा। तो हरी जयंती 1949 से 2009 तक भू भौतिकी विभाग का बिल्डिंग है दोस्तों। तो मैं इस तरह आपको यहाँ तक पहुँचा दिया हूँ, और मैं आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट और बायोलॉजी डिपार्टमेंट के पास ले चलता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील का दोस्तों, देख सकते हैं ये, और ये सारे बिल्डिंग है, ये धातु के अभियांत्रिकी विभाग का बिल्डिंग है। और देखिए, क्रोसन हैटीजेज लेबोरेटरी का दोस्तों बिल्डिंग है ये। अब देखिए, ये सब इसी के, यही आपका विज्ञान संस्थाएँ रसायन विभाग संस्थान का ये देखिए दोस्तों, ये बिल्डिंग है, और इसमें विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है देखिए। और आपको इधर विज्ञान संस्थान का ये बिल्डिंग है सभी, और इधर देखिए स्टैटिक्स सांख्यिकी विभाग का दोस्तों। तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको दिखाऊँगा। और चलिए दोस्तों, मैं और सारी चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आप अच्छी तरह से देखिए। सुबह का वक्त है अभी, वैसे डिपार्टमेंट बंद है, बहुत शांत है। तो देखिए आपका ये दोस्तों, ये भौतिक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है दोस्तों, देख सकते हैं। यूजीसी नेटवर्किंग सेंटर भी है दोस्तों, बीएचयू का देखिए, बहुत ही पुराना बिल्डिंग है दोस्तों। और यहाँ से इसको लुक देखिए। तो दोस्तों, इस तरह से मैं बीएचयू गेट से आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ले आया हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, यही बिल्डिंग है, और ये इसका पार्क वगैरह है देखिए, तभी बंद है, आप इस समय घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये बाहर जाने का रास्ता दोस्तों, ये साइंस इंस्टीट्यूट जो है जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के पास, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बगल में है दोस्तों, देख सकते हैं आप। देखिए, ये अंदर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों, आप जब यहाँ आएंगे, आपको किसी तरह का ऑफिशियली काम हो, जब आपका एडमिशन हो, तो आप यहाँ आकर
अंदर ऑफिस में जाकर कार्यालय में जाकर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए बहुत ही सुंदर और भव्य बिल्डिंग है ये। और देखिए पार्किंग है, कुछ लोग सुबह के वक्त एक्सरसाइज कर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए मैं आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अब ले चलता हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट अब मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो देखिए ये सब सटा हुआ बिल्डिंग एक दूसरे से, और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखिए इधर का पार्क वगैरह का दोस्तों। और देखिए यही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पर आइए और इस डिपार्टमेंट से जुड़िए। और देखिए दोस्तों ये पार्क है ये, अब मैं दोस्तों आपको बायोलॉजी डिपार्टमेंट ले चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ बच्चे लोग हैं सुबह में टहल रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं। तो ये लोग कैमरे के सामने बहुत खुश है दोस्तों, देख सकते हैं। हाँ तो अच्छा लग रहा है। और देखिए तो देखिए तो दोस्तों देखिए ये डिपार्टमेंट अब ऑडिटोरियम है। और दोस्तों ये डिपार्टमेंट आपको बायोलॉजी डिपार्टमेंट यह है दोस्तों, देखिए जंतु विज्ञान बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट है दोस्तों, देख सकते हैं ये। और आपको मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ किधर से कैसे जाना है। रुके रहे आ रहा है ना, तो दोस्तों आप जियोलॉजी डिपार्टमेंट आप इधर से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये गेट है दोस्तों, तो दोस्तों ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट साइंस से जाने का ये दूसरा रास्ता है। अब देख सकते हैं मैं दूसरे रास्ते से पुनः मैं ले चलता हूँ। और देखिए ये ऑडिटोरियम प्रोफेसर एस एस जोशी का ऑडिटोरियम है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये। और ये बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, इस साइड दाहिने साइड आपका बहुत पुराना बिल्डिंग है और बाएँ साइड नया बिल्डिंग बना है। तो आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, बहुत ही सुंदर और शांत जगह होता है यहाँ पर। तो देखिए DBT VHU इंटर डिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस का ये बिल्डिंग है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में आपको उधर से दिखाऊंगा बताऊंगा दोस्तों। और देखिए इधर कुछ बच्चे से इधर खेल रहे हैं, तो सुबह का वक्त है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद और जय भारत।